राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से रूबरू हुए शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया। आपको बता दें, उदयपुर शहर विधायक व राजस्थान सरकार में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के सीएम से रूबरू हुए। उन्होंने अपने जिले की स्थिति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने विधायक मत से भी जनता की मदद की है। उन्होंने नगर निगम के पार्षदों को विधायक मत से पैसा दिया है ताकि जरूरतमंद के कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में काम आ सके। और क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। उदयपुर भी लॉकडाउन का एक लंबा समय जिस त्रासदी में गुजार चुका है वो आपने मैंने सबने देखा है। सरकार ने भी अपनी कई योजनाओं के तहत बीपीएल और कुछ लोगों को राशन दे करके उनकी सहायता करने का प्रयास किया, पर मैंने अपने विधायक फंड से आप सब पार्षद महोदयों को इस भावना के साथ मैं आपको ये दे रहा हूँ कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में जिनको लाभ मिल चुका है उनको छोड़ते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जरूरतमंद जो इस सीमा में तो नहीं आते लेकिन अभाव में जी रहे हैं, जिनका काम धंधा ही बहुत छोटा था लेकिन लंबा 50 दिन तक लॉकडाउन रहने के कारण से उनकी भी हालत जर्जर है। उनको सम्मान सहित ये पहुँचाएँ, कुछ दक्षिणा देने की दृष्टि से नहीं, दान नहीं कर रहे हैं। मैं विधायक फंड जो उपयोग कर रहा हूँ ये गुलाबचंद कटारिया का स्वयं का नहीं है, ये आप जनता के द्वारा मुझे जिस विधानसभा में भेजा है इसलिए वहाँ से जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं सम्मान अपने उन बंधुओं को पहुँचाना चाहता हूँ जो अब तक विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित नहीं हुए हैं, और इस छोटी सी सहायता से भी उनको कुछ अगर राहत मिल सके तो सभी पार्षद महोदय भी मेरी भावनाओं को समझ करके ही अपने क्षेत्र में इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको बांटे जो वास्तव में अब तक किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं हुए हैं और जिनको आप और मैं दोनों मिलकर कुछ मदद कर सकते हैं। मेरी फिर एक बार पार्षदों से निवेदन है कि भगवान ने एक इस समय कठिन समय जरूर दिया है पर हम सबको सेवा का एक अच्छा अवसर दिया है, हम मानवीय दृष्टि से सेवा करें।